इंडिया में आपका स्वागत है। ये जो स्टेज आप देख रहे हैं कल के लिए तैयारी है। ये स्टेज पर कल यहीं पर ही कल प्रधानमंत्री होंगे और ये वही स्टेज है जहां पर जनता को संबोधित किया जाएगा। प्रधानमंत्री देहरादून उत्तराखंड की जनता को संबोधित करेगी। जो अलग अलग जगह से लोग आएंगे उनको संबोधित किया जाएगा। देखिए यहां की तैयारी देखिए, यहां पर भी स्क्रीन लगाया गया है, आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पर चल रहा होगा वही यहाँ पर चलता हुआ दिखाई देगा, जिससे कि पीछे की ओर ना देखना पड़े, प्रधानमंत्री को पीछे की ओर गर्दन करके ना देखा जाए। और दूसरी एक स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन यहां पर है, जो भी कार्यक्रम का सारांश होगा वो यहां पर दिखाया जाएगा। और जो ये कुर्सियां हैं यहां पर, सभी कुर्सियों पर नाम लिख दिया गया है, जिस जिसके नाम की कुर्सी है वही व्यक्ति यहां पर बैठेगा। आप देख सकते हैं ये वही स्टेज है जहां पर कल प्रधानमंत्री होंगे। और कल का दिन बड़ा दिन है देहरादून के लिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कल यहां पर पहुंच रहे हैं। और आप इधर देख सकते हैं, ये देखिए ये कुर्सी उन लोगों के लिए लगाई गई है जहां पर लोग आम जनता बैठेगी और अपने प्रधानमंत्री यानी के पीएम मोदी को सुनेगी। और क्या होगा कल के दिन में, क्या क्या घोषणाएं होगी वो कल और ज़्यादा हम आपको बता पाएंगे। ये वही स्टेज है जिसको दो तीन दिन से लगातार रात दिन बनाने पर लोग लगे हुए थे और खूब बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। शहर में जगह जगह बैनर लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं ये तैयारी आज रात तक समाप्त हो जाएगी। फिर टेस्टिंग होगा, कल जो कार्यक्रम स्क्रीन पर चलेंगे वो भी टेस्ट होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुर्सी जो लगाई गई है वो अभी से ही टेस्ट कर रहे हैं कितनी दूरी रखी जानी चाहिए और कौन कौन लोग बैठेंगे वो भी डिसाइड कर लिया गया है। लेकिन जो अलग तैयारी है वो भी हम आपको दिखा दूँ। जो सिक्योरिटी का जो तंत्र है वो भी यहाँ पर गठित हो चुका है। कोई भी ये जगह जो यहाँ खाली जगह है, आप ये जगह देखिए, ये जगह ऐसी जगह है यहाँ पर कोई भी आम जनता में से नहीं बैठेगा। सिर्फ यहाँ पर जो सिक्योरिटी के गार्ड होंगे या जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में जो लोग होंगे वही यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा उधर की ओर जो जहाँ से लोग आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से जो लोग आ रहे हैं ये एंट्री दरवाजे होंगे जहाँ से लोग आकर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। और कोशिश की गई है ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुर्सी पर ही बैठ कर प्रधानमंत्री को सुने, जिससे कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की परेशानी जनता को ना करनी पड़े। आपको दिखाते हैं, और तो यहाँ के जो कार्यक्रम की तैयारी है वो एक बड़े स्तर पर की जा रही है। और एसएसपी देहरादून, डीएम देहरादून और खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर दो तीन बार आकर जायजा ले चुके हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार की प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में समस्या ना हो, किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसी वजह से इस स्टेज को एक बड़े स्तर तक तैयार किया गया है। आप देखिए यहाँ पर इस स्टेज की खूबियाँ देखिए। आप पहले देखिए ऊपर की जो तस्वीर है, ये मैं आपकी दिखा रहा हूँ स्टेज की, वो भी आपको अलग ही दिखाई दे रही है, जिसमें भगवा और सफ़ेद रंग में रंगा गया है जो छत है यहाँ की। और इसके अलावा और भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा और डीएम साहब से मैं बात करूंगा कितनी तैयारी रह गई है और कितनी तैयारी और ज़्यादा यहाँ पर होनी है। ये वही स्टेज है और ये वही माइक है जहाँ से प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे और जो भी यहाँ से लोग सुनेंगे वो इसी माइक से सुनेंगे। आप देखिए, और इस जो माइक को सेटअप यहाँ दो तीन बार टेस्ट कर दिया गया है और फाइनली इसको टच आज दे दिया जाएगा। वजह है प्रधानमंत्री का दौरा, जिसमें राजनीति स्तर पर बातें होंगी, उत्तराखंड की राजनीति पर बात होगी और सड़कों की बात होगी। और अब डीएम साहब से बात करते हैं, वो कितनी तैयारी बता रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे अभी मंच पे हम लोग हैं और मंच पे पीएमओ से हम लोगों ने अप्रूवल हमें मिल गया है मंच प्लान का, डायस प्लान का, तो उसी के अनुसार और एसपी जी के गाइडलाइंस के अनुसार हम लोग जो है मंच में जितने भी वीवीआईपी गेस्ट हैं इंक्लूडिंग हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर, तो उनके सिक्योरिटी के अनुसार हम लोग जो है इंतजाम हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके अलावा जो डी का आप लोग देख रहे होंगे डिस्टेंस, लगे मंच से लेके डी का लगभग 60 फीट डिस्टेंस है। इसके अलावा एक और छोटा मंच भी हमने बनाया हुआ है जिसमें माननीय विधायक गण और जो पार्टी के पदाधिकारी गण हैं वो उपस्थित रहेंगे। बाकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे
एक पुलिस की एक पूरी कंपनी तैनात है और कोविड प्रोटोकॉल्स का अनुपालन जो है सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने जनता से अनुरोध किया है कि सब लोग अपना मास्क जरूर पहन के आएँ और जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के उनके उन सबका हम लोगों ने RT-PCR टेस्ट करवाया है। बाकी एंट्री पॉइंट्स पे हमारे जो है थर्मल स्कैनर्स भी रहेंगे, हम लोग मास्क भी उपलब्ध रखेंगे फॉर एनी कंटिजेंसी और हम लोग एम्बुलेंसेस भी रख रहे हैं, 4 अलग अलग एम्बुलेंसेस रख रहे हैं ताकि इन केस किसी को कोई मेडिकल रिलेटेड इश्यूज कुछ आए तो नियरेस्ट हॉस्पिटल है जो हमारा दून हॉस्पिटल, वहाँ पे हम लोग जो है फैसिलिटेट कराएंगे। क्या जो प्रोग्राम इवेंट अभी तक जो पूरा क्रिएट किया गया है कि जो स्टेज बनाया गया है फाइनल टच दे दिया गया है, क्या कल की पूरी तैयारी हो चुकी है? बिल्कुल, कल की पूरी तैयारी हो चुकी है, फाइनल टचेस अभी दे रहे हैं। PMO से अभी हमें मिला है डायस प्लान, तो उसके अनुसार हम लोग मंच प्लान फाइनल कर रहे हैं। सर मैक्सिमम क्या संख्या रहेगी कि लगभग कहा जा रहा है कि 3 लाख लोग मैक्सिमम पहुंचेंगे, तो यदि इतनी बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं लोग आएंगे तो उसके बाद के जो हालात होंगे चाहे वो कोविड को लेकर हो तो उसको किस तरीके से सर प्रशासन मैनेज? नहीं देखिए, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो हम चेयर्स की प्लेसिंग भी हम करेंगे तो ये कोशिश करेंगे कि कोविड अप्रोप्रिएट नॉर्म्स के अनुसार हम लोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हम लोग करेंगे। बाकी जैसे मैंने बताया जो हम रैंडमली हम थर्मल स्कैनर के माध्यम से टेम्परेचर चेक भी करेंगे और जो है कोई टेम्परेचर जिसका हाई होता है तो उनको उनकी एंट्री हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। बाकी जो है मास्क भी हमने लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि जो भी आए स्टेज पे और वेन्यू पे वो अपना मास्क ज़रूर पहन के आए।